ये देखो महेश शिव मंदिर अंडिया घाट। अब यहाँ आ चुके अपन दादाजी के आश्रम। ये देखो बाल्टियों से पी रहे हैं, देखो बाल्टी भर भर के पी रहे हैं, देखो लगे हैं दोनों, कंपटीशन चल रहा है दोनों। अपने न्यू ब्लॉग में तो हम खड़े हैं भाई ये पुराने बस स्टैंड पे, और यहाँ से जाने वाले हैं अपन घूमने के लिए। क्या पता कहाँ जा रहे हैं, हमें नहीं पता है। हमारे साथ है लेकिन कौन कौन, अपने गौरव भाई, अब्बू भाई, बहू सी कौन मतलब कैसा है, हाय गाइस बहू, और ये अपने प्रीतम भाई चश्मा लगा के काला वाला, चलते हैं गाइस जाने के लिए। और बिजी पर्सन अपने मुकेश भैया, परमानेंट बिजी, ऑलवेज फोन पे फोन फोन पे फोन। तो जो भी नए लोग आए चैनल वो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अब यहाँ से चलते हैं अपन। गुरुजी भी आ रहे हैं, गुरुजी अपन कहाँ जा रहे हैं, गुरुजी घर से उठा ला, घर से उठा ला। गुरुजी कहाँ जा रहे हैं अपन, कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं जा रहा, पता नहीं है भाई, पता नहीं है अपन कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जा रहे हैं हम आपको बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। आ चुके अपन राजस्थान मिष्ठान भंडार पर, और यहाँ पे कुछ मिठाई वगैरह और प्रसादी वगैरह लेके चलते हैं। लेकिन ये नहीं पता लोकेशन हमें कहाँ जा रहे हैं, प्रसादी लेके चल रहे हैं अपन राजस्थान मिष्ठान भंडार पे आ गए। ये देखो भाई गर्मी ज्यादा है, विकट गर्मी है, कूलर की हवा दे रहा है अपने, ठंडक है, कूलर की ठंडक मिल रही है ना, मस्त मजा आ रहा। पानी और पी लो, मैंने पानी जाकर वाटर फिल्टर को एक नंबर पानी भाई। यहाँ से चलते हैं अपन, अभी गुरु जी प्रसादी ले ले फिर चलते हैं अपन। फ्रेंड्स अपन आ चुके हैं, अब आपको भी पता चला होगा और मुझे पता चला है भाई अपन कहाँ गए। ये देखो ये लिखा है अंडिया घाट, मुझे भी अभी पता चला कि अपन अंडिया घाट आए हैं, अंडिया घाट। तो अपन आ चुके हैं दादाजी के दरबार में, चलते अपन दादाजी से मिलवाते हैं आपको। और जो भजन संध्या का अपना मतलब प्रोग्राम है, भजन संध्या तो नहीं कहेंगे, मतलब दोपहर में अब जो भी होते हो, दोपहर संध्या नहीं, दोपहर में भजन का प्रोग्राम, तो वही है दोपहर में भजन का प्रोग्राम चलता है। अपन चलते हैं दादाजी के दर्शन करते हैं। आपको कैसा लग रहा है स्थान, देखो पहली बार आए आप, सही में पहली बार आओ, सही में पहली बार आओ, देख स्थान देख ले, गरम गरम फॉर्म, गरम गरम लग रहा हो, देख लो आप दिव्य नजारे का दर्शन। ये देखो कितना शानदार लग रहा है भाई, जन्नत है इंडिया में तो, प्रकृति की जन्नत है ये, दादाजी ने बनाई है। ये देखो देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। अब चलते हैं अपन दादाजी से मिलाते हैं आपको। देखो दादाजी वहाँ पे हैं, नेपाल वाले दादाजी अपने, देखो ये बैठे सामने दादाजी। हरिओम दादाजी, मेरे को पता था कि मतलब यूट्यूबर जो है जी, यूट्यूबर है ये अपने नेपाल वाले दादाजी। दादाजी द्वारा ये दिव्य प्रसादी मिलवाई गई है, पपीता एक नंबर दादाजी, आश्रम का ही पपीता है, ये आश्रम का ही पपीता है दादाजी, यहीं पे लगाए हैं बगिया में आपने देखे होंगे। और ये अपना दिव्य हलुआ, हलुआ प्रसाद और अपना पपीता, ये बगिया का पपीता है और ये हलुआ है, अपन जल्दी प्रसादी ले लेते हैं दादाजी से, और सभी लोग प्रसादी ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद अपना भजन वगैरह होंगे, तो भजन वगैरह अभी आपको सुनाएंगे, तो जल्दी जल्दी अपन ले लेते हैं और प्रसादी और अपन प्राप्त कर लेते हैं। गौरव भाई हो गया शुरू, अच्छा हम कर रहे हैं शुरू, जल्दी जल्दी अपन शुरू कर लेते हैं भैया, प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पे भजन शुरू कर रहे हैं, आदरणीय दादाजी को भजन सुनाएंगे।
जबरदस्ती में चाय पी रहा, तीन तीन डिस्पोजल पी चुके, चौथा डिस्पोजल चाय पी रहा है। चलो दादा जबरदस्ती चाय पिला रहा है इतनी ज्यादा, देखो भर भर के चाय पिला रहा है दादा, बिल्कुल जबरदस्ती। अब चाय पी लेते हैं अपन। चाय पी के अपन फुर्सत हुए थे, अपन ने फिर भजन गाया, भजन के बाद अब फिर आ गए अपना दही लस्सी है, ये दही में शक्कर वगैरह और सब कुछ डाल दिया भाई, अभी पियेंगे चाय के बाद, अभी ये लस्सी चाय के बाद लस्सी भाई। अभी इसके पहले अपन ने पपीता खाया था, हलवा खाया था, फिर उसके बाद अपन ने चाय पी, फिर तरबूज खाया, फिर चाय पी, अभी ये देखो मही के बाद फिर पोहा आएगा। मतलब कि भाई आप आओ बस भर पेट बिल्कुल भूखे बिल्कुल नहीं रहने देते दादाजी की बिल्कुल असीम कृपा है हम लोगों पर, सबके ऊपर दादाजी बिल्कुल बहुत स्नेह करते हैं हम सभी से। देखो सभी को देखो ये दही का क्या बात, एक नंबर। देखो ये बाल्टी में रखे हैं दादाजी, एक नंबर दही, अभी दही में और थोड़ा सा जल मिलाया और कुछ उन्होंने जड़ी बूटी वगैरह मिलाई और उसमें शक्कर मिलाई, अभी देखो सबको दे रहे हैं, सभी लोग खाएंगे मतलब पियेंगे हम इसको दही को, फिर उसके बाद सुना है कि पोहा आ रहा है तो पोहा भी खाएंगे, मतलब आज खाना ही खाना और बढ़िया, मतलब आज का दिन मंगल का दिन मंगल हो गया दादाजी के शरण में, हम भी पियेंगे भैया इसको, पी रहे मुँह में लगा के देखो तो ज़्यादा दही है बिल्कुल, एक नंबर दही पी रहा, देखो दिव्य प्रसादी भाई दिव्य शरीर के हिसाब से बाल्टी भर के, नहीं बाल्टी भर के, देखो ये बाल्टी भर भर के पी रहे केशव भाई, केशव को बाल्टी दे दी, मुझे ये कटोरा भर के दे दिया मुकेश भाई, ये गिलास भर के प्रीतम चलाने एक नंबर, सभी पी लेते हैं भाई, हम भी पी लेते और ज्यादा, बाल्टी से पी रहे हैं ये देखो, बाल्टियों से पी रहे हैं, देखो बाल्टी भर भर के पी रहे हैं, देखो लगे हैं दोनों, कंपटीशन चल रहा है दोनों का, पीछे के जीत गया, के सब जीत गया, जो भी पी रहा मुझे सही आ गई। प्रीतम भाई चाय के बाद दही गा के आ चुके हैं हम यहाँ पे, जब तक हमारा पोहा आ रहा है जब तक हम सोच रहे हैं यहाँ पे भ्रमण कर लें, यहाँ पे घूम लें, भ्रमण कर लें और घूम लें मतलब, और जहाँ देख रहे थे भाई जहाँ पड़े थे बंदरा, मतलब बंदरा बहुत ज्यादा पड़े हुए थे, अंगूर खा रहे थे, गुरुजी ने हमारे लिए अंगूर बचाए थे, हमारे लिए सोचे थे कि अंगूर अपन लोग के लिए बचाए थे उनने, वो बोल रहे थे कि अंगूर तुम खाओगे लेकिन वो बंदर खा गए पूरे, बेला बचे अंगूर नहीं बचे, अंगूर बचे कच्चे नहीं बचो, कच्चे होंगे यार कच्चे अंगूर बचे हैं, पके वाले पूरे खा गए, पूरे अंगूर खा गए भैया, अब क्या करें बंदर यहीं कहीं होंगे, खा के चले गए। अब बस देख लो आप ये बगिया देखो भाई, इंडिया में दादाजी की बगिया, और सुंदर बगिया है बहुत ही सुंदर, और इसमें किस किस प्रकार की जड़ी बूटियां लगी हुई, औषधियां लगी हैं खुद नहीं पता और ना हमें उनका नाम पता, दूसरी वाले पंचवटी अब दिखेंगे भैया दादाजी के दूसरा आश्रम में, वहाँ भी चलेंगे, पहले यहाँ पे देख लो आप भाई, इतनी जड़ी बूटियां लगाई दादाजी ने, किसी को नाम नहीं पता ज़्यादातर, दादाजी को अकेला पता है बस क्या लगाया उनने क्या नहीं लगाया, और किसी को नहीं पता, ये देखो कितना अच्छा आश्रम, देखो मस्त है भैया। अब चलते अपन देखते हैं पोहा, जा पोहा खाएंगे, प्रसादी आ चुकी है अपनी फिर से, हलवा और पोहा, हलवा और पोहा आ चुके हैं फिर से, प्रसिद्ध है भैया अंडिया को जैसे कहा, हलवा और पोहा आते हलवा और पोहा, हाँ जब भी आओ अपन हलवा और पोहा जरूर मिलते हैं अपन को, देखो सभी लोग खा रहे हैं, देखो ये हलवा और पोहा, ये देखो एक नंबर, हमें कटोरा में भाई, हमें कटोरा मिल गए एक नंबर, शकल देख के ज्यादा खाप बालू है अपन, प्रसाद ले लेते हैं
जबरदस्ती से खिला रहा दादा जी प्रसाद मुझसे मान गया जबरदस्ती खिला रहा देखो दादा जी देखो सब जबरदस्ती खिला रहे क्या कर भाई क्या हाल चाल बढ़िया वाह हरी बोल हरी बोल वाह फ्रेंड्स खा पी के इतना खा के आए हैं कि भाई चलते ही नहीं बन रहा क्यों मुझे सही है कैसी आदत हो रही भैया इतना भर भर पेट के खिलाया कछु ना पूछो भैया चल अभी तक की हालत सही नहीं है क्या गौरव भाई कैसी हालत फुल टैंक हो गया फुल टैंक का चल हालत तक नहीं है तो गुरुजी वगैरह आ रहे हैं फिर अपन यहां से चलते हैं उदयपुरा साइड या फिर चलते हैं देखते हैं अपन दूसरा आश्रम जाते हैं तो दूसरा आश्रम चलते हैं अब देखते हैं जहां भी जाते हैं आपको बताएंगे फ्रेंड्स अंडिया के बाद अपन आ चुके हैं अब महेश नगर आश्रम में ये देखो महेश शिव मंदिर अंडिया घाट अब यहाँ आ चुके हैं अपन दादाजी के आश्रम में दादाजी का पहले ये वाला आश्रम था अभी भी उन्हीं का आश्रम है लेकिन अब दादा स्थायी रूप से वो वाले आश्रम में रहते हैं बहुत अच्छी सुगंध आ रही है यार भाई देखो जुगा का पेड़ है बना बल सोना बना बल पीपल देखो भाई कितनी अच्छी बगिया है ये भी देखो ये बहुत अच्छा आश्रम है शंकर जी की बहुत अच्छी यहाँ पे स्थापना है तो आपको शंकर जी के दर्शन कराएंगे यहाँ पे जो कितना दिव्य लग रहा है ये आश्रम ये देखो आप बादाम का पेड़ सामने बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यार यहाँ तो देखो दिव्य आश्रम दादा जी का ये देखो एक नंबर दादा जी का दिव्य आश्रम है ये पहला वाला आश्रम दादा जी का शुरुआती आश्रम यहाँ पे बिनु निवास सकते हैं दादा के निवास तो ये देखो कमल का पेड़ लगा हुआ है लेकिन कमल है नहीं इसमें हो रहा हूँ छोटे से कमल हो रहा हूँ हम है एक ही हो रहा हूँ बस बाम डूब जाऊँ पूरा शिव शंकर जी हरि ओम नमः शिवाय शिव शंकर जी ये देखो और ये हनुमान जी महाराज जय श्री राम आज मंगलवार है देखो दादाजी के डिब्बे आश्रम जहाँ पे आते हैं हम शिवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत अच्छा भजन पूजन होता है बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं यहाँ पे शिवरात्रि ये देखो अच्छा लग रहा है डिब्बे आश्रम ये अंडिया में महेश नगर में है चलते अपन दर्शन कर लिए अब चलते यहाँ से तो फाइनली फ्रेंड्स अपन ने दर्शन कर लिए इस आश्रम के भी कर लिए और उस आश्रम के भी कर लिए और आज दिन भर से खा ही रहे थे दादाजी ने जबरदस्ती इतना खिलाया कि कुछ मत कहो मतलब बहुत ज़्यादा खाया तो जो भी नए लोग आ भाई चैनल वो चैनल सब्सक्राइब कर दो लाइक कर दो कमेंट कर दो और जिसको भी आना हो अंडिया तो पहले आओ आप रोड पे आना अनगोरा रोड वाली रास्ता पूछना किसी से भी अनगोरा रोड वाली रास्ता से आना और 12 से अंदर साइड आके अंडिया जाओगे अंडिया आप कोई भी बता देगा अंडिया जरूर आना भाई एक बार जरूर दर्शन करने इतने अच्छे अच्छे आश्रम है दो आश्रम है यहाँ पे जरूर दर्शन करना तो चलते हैं अपन उधर पर जब तक नए ब्लॉग नहीं आ रहा जब तक के लिए जय राम जी की।